बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज की हमारी रेसिपी है रास्तों पर मिलने वाला स्ट्रीट स्टाइल छोले पनीर। माशाल्लाह, जब चटपटे से पनीर की ग्रेवी छोले में जाती है तो इसका जायका इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि शायद ही ऐसी ग्रेवी वाला सालन आपने कभी खाया होगा। अक्सर छोले की ग्रेवी जब हम बनाते हैं तो छोले अलग और ग्रेवी अलग हो जाती है, लेकिन आप मेरी तरह से बनाओगे तो ना छोले अलग होंगे और ना ही ग्रेवी। आप इस छोले पनीर को किसी भी तरह के चावल, रोटी, कुलचा या पराठे के साथ खा सकते हो। तो चलिए ये टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल छोले पनीर को कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। पनीर छोले बनाने के लिए मैंने एक कप जो सफ़ेद छोले होते हैं ना, इसे काबुली चने भी कहते हैं, ये बड़े वाले चने होते हैं, तो इसे मैंने 6 घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दी थी। अब ये 6 घंटे हो चुके हैं तो देखिए फूल चुके हैं अच्छी तरह से, तो इसे हम बॉईल कर लेंगे। गैस पे एक कुकर रखा है, उसमें ये चनों को डाल देते हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो 2 गिलास पानी डाल दिया है मैंने इसमें। नमक डालेंगे टेस्ट के मुताबिक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चुटकी में इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। बेकिंग सोडा डालने से चने जो है जल्दी से गल जाते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 5 से 6 सीटियाँ ले लेंगे हम। चनों को अच्छी तरह से हमें बॉईल कर लेना है। चने बॉईल हो रहे हैं वहाँ तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। छोले को साइड के गैस पे बॉईल करने रख दिया है, वहां तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो गैस पे एक कढ़ाई रखिए, उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, तो 1 तेज पत्ता है, 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 से 4 यहाँ पर काली मिर्चे है और 3-4 लौंग है, ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल में थोड़ा सा गरम मसालों को फ्राई होने देते हैं ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। देखिए गरम मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए। अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये डालेंगे और प्याज को हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है गोल्डन होने तक। यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लिया है, अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं ताकि अदरक लहसुन में जो कच्चा टेस्ट होता है वो खत्म हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हमने सूखे मसाले लिए हैं। 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, नमक यहाँ पर मैं कम ही डालूंगी ग्रेवी के हिसाब से क्योंकि चने को बॉयल करते टाइम पर भी हमने नमक डाला है। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, ये डाल देते हैं। और 1 चम्मच हम इसमें किचन किंग मसाला डालेंगे। आप चाहे तो छोले का मसाला हो तो वो भी डाल सकते हो, या नॉर्मल गरम मसाला हो तो वो भी डाल सकते हो। तो 1 चम्मच मैं किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। अच्छी तरह से सभी मसाले को प्याज में फ्राई कर लेते हैं हम। गैस की फ्लेम मैंने इस टाइम पर धीमी ही रखी है ताकि मसाले जले नहीं हमारे। अब इसमें मैं टमाटर का पेस्ट डालूंगी, तो 2 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने पीस लिया है और इसका पेस्ट बना लिया है, ये डाल देते हैं। और टमाटर के साथ ही हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि टमाटर भी इसमें पक जाए हमारे और मसाला भी अच्छी तरह से भून जाए। तो 2 से 3 मिनट तक मैं इसे अच्छी तरह से भून लेती हूँ। यहाँ पर मसाले को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच कसूरी मेथी डालूंगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है छोले की सब्जी में। और फिर से मैं ये मसाले को 1 से 2 मिनट और अच्छे से भून लूंगी। अगर आपको लगे कि मसाला आपका जल रहा है तो 1 से 2 चम्मच पानी डालकर मसाले को आप धीमी आंच पर अच्छे से भून ले। और साइड के गैस पे भी चने हमारे अच्छी तरह से उबल चुके हैं। यहाँ पर चने में भी 5 से 6 सीटियाँ आ गई थी, मैंने कुकर बंद कर दिया है और सारा प्रेशर निकल चुका है। चने को चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए चने अच्छी तरह से फूल चुके हैं, मैं चेक करके भी बता देती हूँ आपको। तो अभी गर्म है, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से चने हमारे बॉईल हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि 1 बड़ा चम्मच ले लेंगे, ये चने निकाल लेंगे, और चने जब ठंडे हो जाए तो इसे मिक्सर में पीस लेंगे हम। इस तरह से जब हम पीस कर चने डालते हैं ना तो ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाता है।
क्योंकि जब भी हम छोले चने बनाते हैं ना तो ग्रेवी हमारी पतली पतली रहती है और चने अलग हो जाते। ये देखिए चने जो हमने लिए थे उसे मैंने पीस कर पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। ये मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, आप देख सकते हो मसाले में से थोड़ा थोड़ा तेल निकल रहा है किनारियों में से, इसका मतलब है कि मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। तो आप जितना अच्छा मसाले को भूनोगे उतना ही अच्छा आपकी ग्रेवी में टेस्ट आएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो चने हमने बॉईल करके रखे तो उसी के पानी के साथ ये चनों को डाल देंगे, क्योंकि ये जो चने का पानी है उसमें काफ़ी सारा विटामिन भी होता है, तो ये पानी को वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। अब जो हमने चने का पेस्ट बनाकर रखा है ये भी डाल देते हैं। चने को हमने पीस कर डाला है उसकी वजह से ग्रेवी हमारी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, वरना ऐसे तो हम चने का सालन बनाते हैं तो ग्रेवी जो इसकी पतली पतली सी लगती है, इसीलिए इस तरह से पीस कर डालने से ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे क्योंकि जो ग्रेवी है चने की वो थोड़ी सी ठंडी होने के बाद और ज्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो एक गिलास पानी डाल दिया है मैंने इसमें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमें 10 से 12 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से पकाना है ताकि जो भी ग्रेवी है वो चने के अंदर अच्छी तरह से एब्जर्ब हो जाए। अक्सर लोग जब पानी डालते हैं तो ज्यादा पकाते नहीं है, जिसकी वजह से ये ग्रेवी हमारी पतली पतली लगती है और चने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। तो यहीं पर हमें ज्यादा इसे पकाना है, 10 से 12 मिनट तक जितना अच्छा पकाएंगे हम तो सारी ग्रेवी का टेस्ट चनों में अच्छी तरह से आ जाता है। यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो गए हैं और आप ग्रेवी देख सकते हो, छोले की ग्रेवी कितनी बढ़िया बनी है ये देखिए। अब इस पर मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे छोले चने बनकर तैयार है। अक्सर लोग छोले पनीर बनाते हैं तो पनीर को इसी में डाल देते हैं, जिससे पनीर फीका फीका सा लगता है, पनीर में टेस्ट नहीं आता है। लेकिन मैं अलग तरह से आपको ये रेसिपी दे रही हूँ, पनीर को भी हम अच्छा सा टेस्टी बनाने वाले। तो ये छोले को हम गैस पे से उतार देते हैं और पनीर को फ्राई करना है हमें। गैस पर एक पैन रखा है, उसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल। हमने इसीलिए छोले में पहले से तेल कम डाला था क्योंकि यहाँ पर हमें पनीर की टेस्टी और चटपटी सी ग्रेवी बनानी थी। पनीर को हम फ्राई करके ले गए तो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। देखिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर ली हूँ और इसके बड़े बड़े टुकड़े करके इस तरह से तैयार कर ली हूँ। आप चाहे तो थोड़े छोटे साइज के भी पनीर के पीस कर सकते हो। अब पनीर को हमें फ्राई करना है, हल्का सा इसे गोल्डन करना है ताकि इसपे भी टेक्स्चर अच्छा सा आ जाए और खाने में भी बढ़िया सा टेस्ट आए। तेल गरम हो गया है, पनीर के एक एक पीस को डाल देंगे हम। सभी पनीर के पीसेस को डाल दिया है मैंने। अब इसे मीडियम आंच पर हम हल्का सा सुनहरी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो दोनों तरफ से ये अच्छे से गोल्डन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। देखिए दिखने में भी पनीर कितना मजेदार दिख रहा है, तो ग्रेवी में आने के बाद तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से पनीर को जब फ्राई करके लेते हैं ना हम तो उसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया दिखता है। ये पनीर हमारे दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन हो गए हैं। मैं गैस बंद कर देती हूँ और एक एक पनीर को हम निकाल लेंगे इस तरह से। माशाल्लाह देखिए कितने बेहतरीन दिख रहे हैं। ये जब ग्रेवी में जाएंगे तो और भी ज्यादा टेस्टी और चटपटे से बनकर तैयार होते हैं। अभी मैंने गैस बंद कर दिया है। इसका एक हम चटपटा सा मसाला तैयार करने वाले हैं, जो हम स्ट्रीट में चटपटी चाट वगैरह खाते हैं ना, तो उसी का टेस्ट आने वाला है इसके मसाले में। तो मैंने अभी गैस बंद कर दिया है, आपको उसका मसाला भी बता देती हूँ मैं। ये देखिए पनीर फ्राई हो गए हैं, इसे साइड में रख देते हैं। तो देखिए चटपटी सी ग्रेवी के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमने 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है, पानी डला हुआ ये लहसुन का पेस्ट है। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच चाट मसाला। आपके पास चाट मसाला ना हो तो इसमें आमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हो, और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये कोई भी गरम मसाला आप घर का ले सकते हो। इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे हम और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मसालों का पेस्ट तैयार है, मैं गैस को चालू कर देती हूँ। देखिए उसी पैन में ये जो तेल बचा था पनीर को फ्राई करने के बाद, उसी तेल में हम ये मसाले को डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इस मसाले को हम धीमी आंच पर अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। ये मसाले को हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं है।
ये मसाला हमारा भून रहा है, वहाँ तक हम ग्रीन मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुट्ठी भर के फ्रेश हरा धनिया लिया है डंडियों के साथ, और 3 से 4 पुदीने की डंडियाँ ले लिए, 4-5 यहाँ पर हरी मिर्च है और 2 मोटी वाली हरी मिर्च है। तो आप टेस्ट के हिसाब से आप मिर्च को डाल सकते हो। मिक्सर जार में हम इसे पानी डालकर पीस लेंगे। ये देखिए 2 मिनट तक ये मसाले को मैंने थोड़ा सा पानी डालकर भून लिया है। तो आप भी अगर ग्रेवी आपकी जले तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे भून लीजिए। और ये ग्रीन पेस्ट भी हमारा तैयार है, तो ये ग्रीन पेस्ट डाल देते हैं अब इसमें। नमक डालेंगे टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच इमली का पेस्ट लिया है, इमली का पल्प है ये, तो उसमें 1 चम्मच चीनी भी डाली हुई है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल में, तो ये बहुत ही टेस्टी, यानी चाट में जिस तरह से हरी चटनी होती है, लाल चटनी होती है, चाट मसाला होता है, इमली का पानी होता है, बस उसी तरह से ये ग्रेवी बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो इसे बहुत ज्यादा पकाना भी नहीं है हमें, इसका जो थोड़ा सा कच्चा टेस्ट होगा ना हरी मिर्च के पेस्ट का, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये अच्छी तरह से मिक्स कर दिया मैंने इसमें। अब साथ ही में हम इसमें पनीर भी डाल देते हैं, ताकि पनीर में भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, मैं नए तरीके से आपको बनाकर बता रही हूँ। आज तक YouTube पर किसी ने भी इस तरह की ये छोले और पनीर की रेसिपी कभी शेयर नहीं की होगी, तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। अब इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ, ताकि जो भी हमने मसाले डाले हैं, जैसे कि लाल मिर्च का पेस्ट है, जीरा पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, इमली का पल्प डाला है हमने, और हरी चटनी डाली है, तो उन सभी का टेस्ट पनीर में अच्छी तरह से आ जाए। तो इस तरह से चटपटा और मसालेदार पनीर हम जब छोले के ऊपर डालकर खाते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया सा लगता है। देखिए, अगर आपके पास पनीर ना हो या आप पनीर नहीं डालना चाहते हो छोले में, तो इस तरह से चटपटी और टेस्टी सी ये ग्रेवी बनाकर भी छोले पर डालोगे ना, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। ये देखिए, बहुत ही मजे की ये पनीर की ग्रेवी भी हमारी तैयार हो गई है। मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसका टेक्सचर देख सकते हो आप कि कुछ इस तरह का है। इसीलिए हमने जब छोले का मसाला तैयार किया तो उसमें नॉर्मल से गरम मसाले और जो भी मिर्च पाउडर वो लिया था तो कम लिया था, क्योंकि हम अलग से इसकी ग्रेवी बनाने वाले थे। तो ये तैयार हो चुका है, तो अभी से हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो आप इसे रोटी के साथ, पूरी के साथ, कुलचे के साथ या फिर राइस के साथ भी खा सकते हो। सभी के साथ ये छोले और पनीर की ग्रेवी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आज छोले पनीर के साथ मैंने भटूरे बनाए हैं, तो भटूरे के साथ मैं इसे सर्व करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।